बहुत मैजिकल सॉल्यूशन है नेचुरल थेरापी में और योग में, योग और नेचुरल थेरापी आर इंटरकनेक्टेड एक्चुअली। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपका चश्मा चढ़ा हुआ होगा तो चश्मे का नंबर कभी ना बढ़े, इसको आप मेक श्योर कर सकते हो। अगर नहीं चढ़ा है तो जिंदगी में चश्मे की जरूरत ना पड़े, इसको आप मेक श्योर कर सकते हो, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रिवेंट कर सकते हो। इतनी इफेक्टिव प्रैक्टिस है जिसको आप एवरीडे अगर रूटीन में करते हैं तो लेस देन 5 मिनट में पूरा कर सकते हो, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। तो क्या है, अभी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस है, मैं सारी चीजें कराने लगता हूं तो आपको याद करने में भी मुश्किल होगा और टाइम भी उसी में चला जाएगा। तो मैं आपको 2-3 प्रैक्टिस कराऊंगा जो आप रूटीन में आसानी से कर सके, ठीक है। तो उसमें जिसमें गाइडेंस चाहिए वो प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिकली संभव नहीं तो है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, नीति है और त्राटक क्रिया है और बहुत सारे टेक्निक्स है, आसन भी कई सारे हेल्पफुल होते हैं, प्राणायाम भी कई सारे हेल्पफुल होते हैं, सारे रिलैक्सेशन टेक्निक हेल्पफुल होते हैं ऐसे थेरापी के लिए। तो इन चीजों में टाइम लगेगा, लेकिन मैं इजी चीजें 2 चीजें आपको बताऊंगा और उसके साथ थोड़ा सा डाइट के बारे में बात करते हैं। 2 चीजें क्या है, एक तो आंखों का एक्सरसाइज आप दिन में कम से कम 2 बार कर लेंगे, और दूसरा एवरीडे कम से कम दिन में 2 बार आप रनिंग टेप वाटर से आंखों में छपके मारिए, आईज क्लोज करके। कई बार आईज को अगर अंदर से धोना हो तो हम लोग आई कप यूज करके धोते हैं, लेकिन जब छपके मार रहे हैं तो आईज ओपन करके नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग ना बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो प्रेशर ज्यादा डालते हैं तो उससे कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आईज क्लोज करके पानी का छपके मारेंगे, उससे आंखों का इंटरनल सिस्टम में डैमेजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, और प्रॉपर स्टिमुलेशन जो चाहिए सेल्स और टिश्यूज और नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, डिटॉक्स प्रोसेस को बेटर करने के लिए ये मिल जाएगा, हमें यही चाहिए। तो 2 चीजें आईज एक्सरसाइज पर, आइए कर लेते हैं। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे और जितना दूर देख सके उतना दूर स्पाइन स्ट्रेट रख करके कर लेते हैं ना, ठीक है। अब पहले आईज को अप एंड डाउन करिए, अप डाउन विदाउट मूविंग हेड, सीट को हिलाना नहीं है। अराउंड 20 टाइम्स टारगेट है, लेकिन अभी हम 10 करते हैं सो दैट वी कैन सेव सम टाइम फॉर अदर थिंग। कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करनी है आज हमें, और फिर राइट लेफ्ट कर लीजिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट विदाउट मूविंग हेड, सीट को हिलाना नहीं है। एंड नाउ अब डायगोनल कर लीजिए, अपसाइड राइट साइड अप लेफ्ट साइड डाउन, लगभग 10 टाइम्स। फिर चेंज लेफ्ट साइड अप राइट साइड डाउन, नाउ रैंडम मूव कर लीजिए, एनीवेयर एनी टाइम कहीं भी ले जा सकते हो। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इससे आईज के जो विजन वाले काम करने वाले जो रॉड एंड कॉन्स होते हैं इन टिश्यूज के ऊपर स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आएगा। अच्छी तरह से फास्ट मूव करेंगे, एक्टिवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग, रुकना कहीं नहीं है, थोड़ा सा वेरी गुड। अब इसके बाद फिर आई बॉल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अप राइट डाउन लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। और फिर ब्लिंकिंग करेंगे, फेसिंग फॉरवर्ड स्ट्रेट, टाइटली क्लोज करें और सहज छोड़ दें, आईज बंद ही रखना है। फिर टाइट करेंगे एंड रिलीज, फिर आईज को टाइटली क्लोज करें एंड रिलीज। अब सहजता से बंद ही रखेंगे, अभी समय हथेली को एक आपस में रबिंग करेंगे, अच्छी तरह से हथेली को गर्म करेंगे। जब हथेली पूरी तरह से गर्म हो जाए हथेली से आंखों को ढकेंगे और आराम आराम से सहलाएंगे। आईबॉल में प्रेशर नहीं डालना है, आंखों के नीचे और ऊपर वाले भाग में जेंटल मसाज इफेक्ट के साथ, और फिर आईज क्लोज ही रखें
इस बार फिर हथेली को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब हथेली गर्म हो जाए, एक हथेली से कप जैसा स्ट्रक्चर बना करके आंखों को कवर करेंगे और उसके अंदर ब्लिंकिंग करेंगे और ये फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप ले आ करके धीरे धीरे बाहर के लाइट को अंदर एंटर करने देंगे और धीरे धीरे बाहर के लाइट को देखते हुए